समय होता है। एक कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता था, सुबह जाता था 6 बजे, रात को लौटता था 10 बजे। एक दिन मालिक ने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा 4। कितने बड़े हैं? वो कहता है एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है। मालिक ने कहा, हाँ ये तो मैं समझा नहीं इसका मतलब। बोलता है, साहब पैसा कम मिलता है, ड्यूटी ज्यादा करनी पड़ती है, सुबह 6 बजे आता हूं तब वो सो रहे होते हैं और रात को जब वापस जाता हूं तब भी वो सोते ही मिलते हैं। मैंने तो ठीक से उनका मुंह भी नहीं देखा, बस वो पड़े हुए दिखाई देते, बोरी पर पड़े हुए दिखाई देते। जीवन में पैसा होना चाहिए लेकिन इतना नहीं, आप परिवार को, बच्चों को, पत्नी को आप भूल जाएं, आप अपनों को भूल जाएं। ऐसा पैसा नहीं। ये कथाएं कहती हैं इस पुत्र को बुद्धिमान बनाने में हाथ मां परंबा का है। मां को गणेश कार्तिकेय बहुत प्रिय, बहुत ज्यादा। शंकर को कार्तिकेय अति प्रिय है, मैया को, गौरा को गणेश बहुत प्रिय है। दोनों बच्चों को अपनी मां बहुत अच्छी लगती है। कितने बुद्धिमान बना दिए। गणेश के ऊपर तो मुझसे तुम 2 महीने बुलवा लो, गणेश का पुजारी हूं, गणेश के बारे में बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पवित्र व्यासपीठ से जो भी आपको ये कथा सुना रहा हूं उसमें मैं इस बात का निवेदन कर रहा हूं यहीं से चढ़ा दो, ये बच्चा ले लो। बच्चों को अपने पास में बैठाइए, कुछ बताइए, कुछ सिखाइए। बच्चे उन्हीं के हाथ मुट्ठी से बाहर निकल जाते हैं जिन माता पिता को अपने बच्चों के पास बैठने को समय ही नहीं होता, टाइम नहीं होता। आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है, आने वाले समय में उनके पास टाइम नहीं होगा आपके लिए। मुझे गुड़गांव में कभी एक 27 साल का कोई युवा मिला था। उसने कहा, महाराज जी मैं इतना अभागा हूं, मुझे जन्म देने के बाद मेरी मां मर गई, मेरे पापा ने मुझे पाला, मैं इधर जॉब करता हूं, मेरा यहां मन नहीं लगता, क्योंकि मैं बाहर पढ़ने को गया तब तक मैं अपने पापा के साथ ही सोता रहा, पापा ने मुझे इतना लहर दिया है, इतना दुलार दिया है, मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूं तो भी उनके ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। वो बूढ़े हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, मेरा नौकरी में मन नहीं लगता, उनको लेके आता हूं उनको यहां अच्छा लगता नहीं है, गांव में जन्मे पले हुए हैं, मैं बड़ा दुखी हूं, क्या करूं। मैंने कहा, भैया आप जैसे बच्चे तो इस धरती पर साक्षात देवता की तरह ही आगे जन्म लेते हैं, माता पिता के प्रति जिनकी इतनी भावनाएं हैं तो इंसान नहीं, इंसान का कबर ओढ़े हुए साक्षात भगवान है, और आज के टाइम में तो विशेष आप समय निकालिए, थोड़ा बच्चों के पास बैठिए। गौरा गणेश की आप कथा सुन रहे हैं, इन सब कथाओं से जीवन में परिवर्तन हो तो ठीक है, और ये सब कथाएं सुनकर के भी बोके बोई बने रहे तो ये फिर टाइम वेस्टेज करना, समय खत्म करना। बच्चों के पास बैठिए, उनको लाड कीजिए, दुलार कीजिए, उन्हें अच्छी सी बातें बताइए, उन्हें देश का भविष्य और आपके खानदान का भी भविष्य आपके बच्चे ही थे, आपके द्वारा वो समर्थ बन सकते हैं, सामर्थ्यवान बन सकते हैं।